खीरा, टमाटर, लौकी, कैप्सिकम, बीन्स, ये सब पौधा के लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे देते हैं, या फिर स्टिक्स, बैम्बू हो गया या फिर जाली हो गया। लेकिन आप एक रस्सी के मदद से कैसे बिल्कुल आसान तरीके से एक प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुतली का रस्सी लीजिए, वहाँ पे 2 इंच की ज़्यादा एक फंदा बनाइए और वो पौधा का सबसे नीचे वाला पत्तों के नीचे उसको फंसा दीजिए। उसके बाद उसका अपर पोर्शन यानी रस्सी का जो ऊपर की भाग है, वो ऊपर का सपोर्ट में जो मजबूत सपोर्ट हो वहाँ पे हल्का तरीके से, लेकिन रस्सी सीधा रहना चाहिए, ऐसी तरीके से उसको टाइट कीजिए। लेकिन ध्यान रहे पौधा के ऊपर कोई भी स्ट्रेस यानी कोई भी तनाव नहीं आना चाहिए। उसके बाद पौधा को वही रस्सी के ऊपर स्पिन कीजिए यानी घुमा, तब तक घुमाइए जब तक पौधा के एंड पोर्शन तक ना हो गया आपका काम। इसी तरीके से पौधा जब बड़ा होने लगे तब 2 या 3 दिन के बाद आप ये चीज बार बार करते रहिए। तब तक एक रस्सी की मदद से एक पौधा आपको आसानी से चढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरीके से आपका बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज़्यादा पौधा आप चढ़ा पाएंगे। लेकिन आपका पौधा अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसका फल ज़्यादा नहीं आ रहा है, फूल ज़्यादा नहीं आ रहा है, तब उसको वेजिटेबल के लिए 3G कटिंग टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, या फिर फ्लावर के लिए या दूसरे वेजिटेबल के लिए आप एक PGR का इस्तेमाल करके उसका लंबाई को नियंत्रण कीजिए और फल फूल का वृद्धि बढ़ाइए। कोई भी दिक्कत या फिर सवाल हो इसी टॉपिक में तो आप नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपके पास गार्डन है, कोई भी एक भी पौधा हो, तो आप अगर वही पौधा का स्वास्थ्य अच्छा देखना चाहते हैं, उसमें फल फूल भरपूर देखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर गार्डनिंग के सही तरीके और सही चीज़ के बारे में एक के बाद एक वीडियो लाते रहेंगे। सो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया हुआ घंटी बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो की मदद से कोई भी मदद हो तो आप लाइक बटन जरूर दबाइए और दूसरे को देखने के लिए सहायता करिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।